सामाजिक न्याय परिसर मार्ग से समग्र समाज चयन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में उज्जैन में मौन रैली निकाली गई। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर शहीद पार्क पहुंची, जहां समाज चयन द्वारा भारत माता की आरती की गई। उक्त रैली में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए। इनके हाथों में तख्ती, बैनर तथा राष्ट्र ध्वज तिरंगा था। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिनियम का अंग बना दिया है। इसे लेकर समाज में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए तथा इसके समर्थन में जिले का समग्र समाज आगे आया। समग्र समाज जन सोमवार को सामाजिक न्याय परिसर आगर मार्ग पर एकत्रित होकर दोपहर 12 बजे मौन रैली के स्वरूप में निकला। यह रैली क्षीरसागर, नरेंद्र टॉकीज मार्ग, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज, घंटाघर होकर शहीद पार्क पहुंची। यहां पर भारत माता की आरती के साथ मौन रैली। आज उज्जैन के समाज, सभी समाजों ने मिलकर आह्वान करा था कि CAA के समर्थन में मौन रैली का आह्वान करा है। उसी तारतम्य में आज संत समाज भी, सभी पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए और मौन जुलूस निकले। देखिए, पूरे देश में CAA के कानून को लेकर के समर्थन जारी है और ये कानून वास्तव में इस समय की आवश्यकता थी। 70 साल से प्रतीक्षारत जो पीड़ित, शोषित, वंचित हिंदू समाज था, जैन, बौद्ध, सिख, जिनके साथ बड़ा अत्याचार, अनाचार था, वो 70 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस प्रतीक्षा को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस बहुत नैसर्गिक, इस बहुत उचित कानून का भी विरोध कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के इस तरह के बांटने के कारण इस देश में एक तरह का उपद्रव पैदा हो गया है। समाज इस कांग्रेस की इस गतिविधि को देखे और उचित स्थान पर दंड भी दे। देखिए, करीब करीब 1 लाख लोगों की अपेक्षा है और 1 लाख के आसपास लगभग लोग इस रैली में रहने वाले। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।